skies, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the flies. And everything is such a meaning, every clock has still fallen. Hey guys, welcome to the channel and welcome to another video. So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ रिसेप्शन पार्टी मेकअप लुक. एंड दिस इज रियली ड्यूई वेरी हाइड्रेटिंग बिकॉज ठंड का टाइम है, तो ठंड पे आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं बहुत हेल्पफुल होने वाले ये वीडियो. आई थिंक बिना देर करें चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है और हेल्पफुल लगता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिक्योर माय हेयर. एंड मैंने ना अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेप कर लिया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को मेकअप करने से पहले प्रेप कर लें. विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेकअप विद प्राइमर. ऑफकोर्स वी डो नॉट वॉन्ट कि टेक्स्चर्स दिखे, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर. एंड बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी में लेकर जहाँ पे मुझे टेक्स्चर्स है, जैसे कि जहाँ पे मुझे फाइन लाइंस आते हैं वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी. पूरे फेस पे नहीं कर रही हूँ, मैं अपने स्माइल लाइंस की इधर करूँगी ताकि वो पोर्स फिल अप हो जाए और मेरी स्किन का टेक्स्चर एक जैसा दिखे. सो ऑफकोर्स रिसेप्शन लुक है तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन की मास्टर स्ट्रोक क्रीम. ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लो देगी. सो बिकॉज आई वॉन्ट कि फेस एकदम ऐसा हाइड्रेटेड ग्लोइंग और ऐसा लगे, तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अंडरनीथ माई मेकअप. लुक एट दैट. ऑलरेडी कितना प्यारा शाइन आ गया है. आई एम ग्लोइंग. नाउ इट्स टाइम टू कंसील आवर डार्क स्पॉट्स जो भी हमारे फेस पे है. तो आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड हनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्कर शेड है मेरे लिए. तो अगर आप नहीं, दिस इज इन द शेड कैरमल, तो ये थोड़ा सा डार्कर है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको अंडरनीथ यूज़ करने वाली हूँ एंड इसके ऊपर से फाउंडेशन अप्लाई करूँगी. आई एम नॉट यूजिंग एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर, सिर्फ मैं छुपाना चाहती हूँ जो भी डार्क स्पॉट्स, उस चीज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसे. सो आई एम गोइंग टू टेक माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस अप. कैमरे पे कितना परफेक्ट लग रहा है, मतलब ये एकदम मेरी स्किन से मैच करता है. द ओनली थिंग इज दैट कि ऐसे सामने से ना थोड़ा ये डार्कन लगता है. दिस इज एक्चुअली अ इरेजर. नाउ इट्स टाइम टू यूज फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नायका स्किन शील्ड का एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन. एंड दैट इज द ओनली रीजन मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं ना गाइज, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. कुछ भी ऐसा ऐसा सच मैट नहीं है कि आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ठंड का पार्टी है तो फिर आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क ऑफ यू नो हाइड्रेटेड नहीं हो स्किन. तो मैं यहाँ पे डीप हाइड्रेशन जिसमें था फॉर्मूला वाला फाउंडेशन लिया है. तो दिस इज नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन, दिस इज जस्ट अ यू नो मीडियम कवरेज फाउंडेशन, बट मुझे बहुत पसंद है. By the way, I'm in the shade 10 Golden R. आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको ऐसा ऑसम फिनिश वाला फाउंडेशन चाहिए ना बिना मेहनत के, और जो फट से ब्लेंड हो जाए. यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक्ट एंड दिस इज इन द शेड गोल्डन टैन. मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए ही लगाऊंगी. सो नाउ इट्स टाइम टू डू ब्राउज एंड ब्राउज के लिए आई एम गोइंग टू यूज पैक ब्राउ पोमेड इन द शेड 02 सिडर क्रेम. एंड उससे पहले मैं इस पूली से अपने ब्राउज को अच्छे से सेट करूँगी. सो गाइज नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू आई मेकअप. और आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि माई आउटफिट वुड बी ब्लैक, तो हल्का सा ब्रॉन्जी शिमरी मेकअप करूँ.
and I am going to take first this shade right here, which is pink, और मैं इसे एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूंगी. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड राइट हियर विच इज ब्रॉन्ज और मैं इसे अप्लाई करूंगी एकदम मिडल ऑफ द आईज पे. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड राइट हियर विच इज अ डीप पर्पल कलर और इसे अप्लाई करूंगी ट्रांजिशन शेड के नीचे, which will be my crease line. And now I am going to take this brown shade और इसे apply करूँगी एकदम outer corners पे. So guys, now I am going to take this golden shade right here, which is a beautiful gold, और इसे मैं apply करूँगी अपने you know bronze and inner corners के बीच में. तो गाइज मैं यहाँ पे ना एकदम मस्त सा विंग लाइनर लगा रही हूँ एंड आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आई लाइनर एंड दिस इज प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग. और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा. वाओ, आई जस्ट लव आई मेकअप, बट मैंने ही गड़बड़ कर दी है. मैंने मस्कारा लोअर लैशेस पे लगा लिया है काजल लगाने से पहले, तो मैं कोई दूसरा कलरफुल काजल लगाने वाली थी जो कि मैं अभी मस्कारा ड्राई होने के बाद लगाऊंगी. नाउ कमिंग बैक टू दी फेस, आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन मास्टर कंटोर पैलेट और इससे मैं करूँगी ब्रॉन्जिंग थोड़ी सी. तो मैं यहाँ पर ये ब्रॉन्ज शेड ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्रॉन्जर अ बिट. तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी का ब्लश इन दिस शेड 30 एंड दिस इज वेरी नाइस पिंक ब्लश. एंड लास्टली आई एम गोइंग टू यूज हाइलाइटर और मैं यही वाले पैलेट में से हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ बिकॉज दिस हाइलाइटर इज रियली ब्यूटिफुल एज यू गाइस कैन सी. वाओ, और एकदम ऐसे आईब्राउज के ऊपर से मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी ताकि आईब्राउज भी एकदम हाइलाइटेड लगे. ब्राउ बोन के इधर. यस, वी आर डन विद द हाइलाइटर. नाउ आई एम गोइंग टू वेयर फॉल्स आईलैशेस और फॉल्स आईलैशेस के लिए मैं नॉर्मल लोकल आईलैश यूज कर रही हूँ. So guys, now I'm going to use lipstick, my favorite part of the makeup, and I'm going to use Star Collection by Sonam. And on top of that, I'm going to add Kiko Milano ka lipstick. This is a nude shade. It's looking very nice. So I am party ready and now I am going to fix my makeup by using makeup setting spray and this is by Faces Canada. And now I am going to change into my outfit and will show you the final result. सो गाइज मैंने ना यहाँ पे अपने बाल को खुले छोड़ा है और एक ब्यूटीफुल से इयररिंग्स पहने. इन इयररिंग्स का मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने शायद क्लब फैक्ट्री से मंगाए थे, बट दे आर लुकिंग गॉर्जियस. मतलब स्टेटमेंट इयररिंग्स बहुत सही है बिकॉज मेरे यहाँ पे कहीं तो ब्लू स्टोन्स हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से जा रहा है. सो यस, दिस इज माई फाइनल लुक विच आई एम करेंटली लविंग इट. तो आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आया रहेगा ये वीडियो, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. एंड इसी के साथ खत्म करती हूँ मैं वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.